नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन में बहुत सारे वैकेंसीज देखने को मिलेगा इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में से यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है एंड इसका लास्ट डेट जो है वो भी एक्सटेंड हो चुका है, क्यों बार बार जो है एक्सटेंड हो रहा है लास्ट डेट, वो भी हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ सैलरी क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन एंड लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ये सारे सबको जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा क्योंकि वहां पर मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वैकेंसी दिए गए हैं स्कूल और डिपार्टमेंट और सेंटर वाइज। तो जैसे कि स्कूल, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कौन कौन से स्कूल से जो है वैकेंसी रिलीज किया गया है, उसके साथ पोस्ट कोड भी आपको देखना है बिकॉज ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम एंड जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम आपको ये पोस्ट कोड की जरूरत पड़ेगा। एंड हर स्कूल के अंडर जो है बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है एंड हर एक डिपार्टमेंट में से कितना वैकेंसीज रिलीज किया गया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो है डिपार्टमेंट क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस हो गया, फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, देन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स फिलोसॉफी साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, देन इंग्लिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस, हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, जनरल एंड अप्लाइड जियोग्राफी, अप्लाइड जियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, बॉटनी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, देन बिजनेस मैनेजमेंट, लॉ, योगिक साइंसेज, एडल्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एजुकेशन, देन एजुकेशन केमिस्ट्री एंड सेंटर फॉर स्टडीज ऑन इंडिजिनस नॉलेज। तो टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं कितने सारा वैकेंसीज जो है एक साथ रिलीज किया गया है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 88 वैकेंसीज है। ओके, तो 88 वैकेंसीज में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पसंदीदा डिपार्टमेंट में। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वालिफिकेशन पर। तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन होता है जनरली एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018, उसी को जो है यहाँ पे रखा गया है। तो डिपार्टमेंट हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है, बट जो जनरल क्वालिफिकेशन है, ओवरऑल क्वालिफिकेशन है, वो यही है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए इन अ कंसर्न और रिलेवेंट और एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड उसके साथ साथ नेट स्लेट सेट में से कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। अगर तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है, देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। एंड पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो किया जाता है, जैसे कि आपका पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए, ओपन पीएचडी बाय वर्क कंडक्ट होना चाहिए, पीएचडी थीसिस एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर्स इवैल्यूएट होना चाहिए एटसेट्रा। तो यहाँ से जरूर चेक कर ले बिफोर एप्लीकेशन एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिए गए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। आप जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ कंसर्न रिलेवेंट और अलाइड सब्जेक्ट्स फॉर पीजी क्वालिफिकेशंस को रखा गया है, यानी कि हर एक स्कूल के अंडर जो डिपार्टमेंट है एंड हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपका पीजी लेवल पर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड अलाइड सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बात करें लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे देखिए कंसर्न सब्जेक्ट सेम है, रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन साइंस और इन्फॉर्मेशन साइंस को रखा गया है एंड अलाइड सब्जेक्ट्स के लिए लाइब्रेरियनशिप, लाइब्रेरियन साइंस एंड लाइब्रेरी इकोनॉमिक को यहाँ पे रखा गया है। ओके, तो इस टेबल को जरूर फॉलो करें बिफोर एप्लीकेशन। आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि कंसर्न सब्जेक्ट कौन है, अलाइड एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट्स क्या है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे समर पोर्टल ओपन हो जाएगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चयन पोर्टल होता है। वहां पे जाके अगर आप पहली बार यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद लॉग इन करके फर्दर प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है एक प्रिंट आउट ले लेना है एंड उसको सेंड कर देना है यहाँ पे दिए गए एड्रेस पर एंड आप कोई भी पोस्ट के द्वारा सेंड कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड कोई भी पोस्ट के द्वारा। एंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है उसके साथ जो है जितने भी सारे टेस्टिमोनियल्स है आपके पास और सर्टिफिकेट्स हो गया, मार्कशीट्स हो गया, जो भी है आप जो भी क्लेम करते हैं एज अ प्रूफ, जो भी यहाँ पे आप दे रहे हैं
तो उसको जो है एनवेलप के अंदर एनक्लोज करके एनवेलप के ऊपर जरूर सुपरस्क्राइब करें कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एंड देन कैटेगरी क्या है आपका एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है ऑफ द पोस्ट. जैसे कि मैंने बताया था कि पोस्ट के साथ साथ पोस्ट नंबर भी दिए हुए हैं, तो वो जरूर चेक करें एंड एनवेलप के ऊपर आप मैं आपको मेंशन करना है. ठीक है, तो अगर कोई कैंडिडेट जो है करंटली एम्प्लॉय है कहीं पे भी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयूज या फिर कई ऑटोनोमस बॉडीज कहीं पे भी, तो उनको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. ठीक है, अब ये जो है ये आप कट कर सकते हैं, यहाँ से कट करके जो ब्लैंक है वो फिल करना एंड देन एनवेलप के ऊपर पेस्ट कर देना. ठीक है, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड कोई भी पोस्ट के द्वारा सेंड कर सकते हैं. आप आते हैं एप्लीकेशन फीस पर. तो देखिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रखा गया है, यानी कि यूअर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रखा गया है. ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फिर भी इनका जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा है. तो ये एक कारण हो सकता है कि इसका जो लास्ट डेट है उसमें आपका जो है एक्सटेंशन बार बार किया जा रहा है. अप्रैल में भी हुआ था, एक मई में, एंड ये जून का एक्सटेंशन है. ठीक है, तो फरवरी का नोटिफिकेशन है एंड अब तक की जो है एक्सटेंड बार बार करते ही जा रहे हैं. तो ये इसका रीजन ये भी हो सकता है, तो एप्लीकेशन फीस, एंड दूसरा ये भी है कि एप्लीकेशन फीस इतना ज्यादा है उसके वजह से जो है उन्होंने जितना वैकेंसीज रिलीज किया है उसके दुगना या फिर तिगना जो है बुलाया जाता है कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए. ठीक है, 2 times या 3 times, तो वो शायद से उतना कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं डाल रहे, इसीलिए बार बार जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया जा रहा है. बट अच्छी बात ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए तो जरूर यहाँ पे जो है अप्लाई करें, क्योंकि वो लास्ट डेट तो निकल चुकी थी बट इसका जो डेट है लास्ट डेट वो ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया गया है फिर से. एंड यहाँ पे कितना दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, वो अलग पीडीएफ में है. जो डेट एक्सटेंशन जो पीडीएफ है वहां पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है सभी का ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज फोटो कॉपी आपको साथ में लेके जाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. ठीक है, कोई भी टीडीए नहीं मिलेगा फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, बट आप अगर दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिलेगा टू एंड फ्रो फेयर. तो यहाँ से आप चेक कर ले, जैसे कि सेकंड क्लास सिंगल रेलवे ऑन शॉर्टेस्ट रूट शैल बी रिइंबर्स आफ्टर अटेंडिंग द इंटरव्यू. ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कोई भी अपडेट्स के लिए, अपडेट्स के बारे में जानने के लिए जो है ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना है, वहां पे आपको सारे के सारे अपडेट्स जो है वो मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप क्लिक करके जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. फिलहाल के लिए जो है डेट एक्सटेंशन वाला नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं. तो ये देखिए लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 15 जुलाई कर दिया गया है एंड यहाँ पे 22 जुलाई तक आप यहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं. तो जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 88 वैकेंसीज है. तो आप जो है जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए एंड यहाँ पे इंटरव्यू भी अटेंड कीजिए अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं. तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. तो ऑफिशियल वेबसाइट एक बार दिखा देते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर जो कि एमपी में पड़ता है. यहाँ पे नीचे एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है एंड वहां पे रिक्रूटमेंट करके मिल जाएगा. तो रिक्रूटमेंट में आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है. ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास लिंक आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट का एंड यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा एंड ये जो लिंक है ना डेट एक्सटेंशन का वो नोटिस बोर्ड में आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा एंड ये है चयन पोर्टल, सीयू चयन पोर्टल. यहाँ पे आके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जो है एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है एंड यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जो है रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिए गए हैं. तो आपको जो भी फॉर्मेट की जरूरत है आप जरूर जो है इसको फिल कीजिए एंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कीजिए. ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए. कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी कमेंट्स कर सकते हैं रिलेटेड टू क्वेरीज एंड एनी प्रॉब्लम. ठीक है, एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है, तो आपके फ्रेंड या फिर रिलेटिव हो सकता है. तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस.